हेल्दी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल जूस फूड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रेस द बेल आइकॉन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम अस। शरेआम बाहर घूम रहा हूँ मैं, कोई राम रहीम बाबा के साथ अंदर थोड़ी हो गया। आप अंधेरी जाके देख लो, वो अंग्रेजों ने बनाया था। मैं परेशानी से बचने के लिए रोज पी लेता हूँ, उसकी वजह से सुबह और हो रही है। की बात आती थी तो बीट शाहरुख, बीट सलमान सब आपके शो पर आते थे। जी जी, तो आप किस तरह अब फिल्म को प्रमोट करें, क्योंकि इन दिनों कपिल शर्मा शो तो नहीं है बट बिग बॉस है, तो क्या आप कपिल को हम देख सकते हैं बिग बॉस पे प्रमोशन करते हैं? जी सर, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे पहले पता नहीं था कि पीआर भी होते हैं, लेकिन इस बार खुद फिल्म बनाई है तो ऐसे हमारी पीआर टीम के जो हेड हैं पराग जी हैं, उनकी टीम है, वरुण है, ये सब लोग डिसाइड कर रहे हैं। इनको ज़्यादा एक्चुअली ये लोग बेहतर बताते हैं कि उस शो में आप जाएंगे उसके लिए आपके ये सही है, उसकी रेटिंग इतनी आ रही है, उसका ठीक है। तो मैं कहा ओके ओके ठीक है। आपका मन कहाँ कहाँ जाने का है? आपको लगता है कि यहाँ मुझे जाना चाहिए? यार आपकी साउंड मुझे बड़ी मजेदार लगी, आप चेहरा दिखाएंगे? अच्छा, एक एक जी न्यूज में एक ऐसे आते भी हैं कपिल, वो दरिंदा जो था ऐसा कोई कपिल आते हैं। इशिता, ये आपकी डेब्यू फिल्म है ना? हाँ, उसमें तो मैं बच्ची थी। मैं हमेशा कहता हूँ लोग, अच्छा एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी आप किसी चीज़ में काम करते हो तो आपका नाम वैसे जोड़ देते, कहते हैं कि अजय देवगन की बेटी आ रही है कपिल शर्मा के साथ। तो मैंने भी 3-4 बार न्यूज़ चेक की कि सच्ची में ऐसा हो रहा है, तो बड़ी बार ऐसा भी होता है। लेकिन ये एक्चुअली उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट थी जी, और इसमें पहली बार जो है वो लीड में आ रही है। सो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, थैंक यू, योर वर्किंग विद सच अ वंडरफुल गाय। यस, एंड द प्रोड्यूसर साहब इज अमेजिंग। सो मुझे कपिल से एक सवाल पूछना है जी। आपने कभी सोचा था मेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा? भी अगर देखा जाए तो पार्टीशन का जितना ज़्यादा असर जो हुआ है वो जितना ज़्यादा पंजाब उस नॉर्थ बेल्ट में है, मेरे ख्याल से और ज़्यादा शायद लोगों ने नहीं देखा। जैसे साउथ में लोगों को पार्टीशन का इतना उनके मनों में प्रभाव नहीं है। अगर आप देखें, अगर कहीं इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो नॉर्थ साइड में बड़ा ज़्यादा क्रेज़ होता है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं दादा परदादा, मेरे ताऊ जी जो मेरे पिताजी के सबसे बड़े भाई हैं, वो आज भी मुझे कहानियाँ सुनाते थे और बड़ी फ़नी कहानियाँ सुनाते थे कि एक बार मैं कहीं जा रहा था तो एक अंग्रेज़ जो है वो गिर गया उनकी मोटरसाइकिल से, तो मैंने उसको निकाला ऐसे नदी में से या जो भी नहर में से, तो उसने मुझे बोला कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा कि हाँ मुझे कुछ नौकरी वगैरह चाहिए। तो उसने एक्चुअली अपने साले को रखवा दिया मेरे ताऊ ने, कि मैं तो काम वाम करता हूँ, मेरा साला कुछ नहीं करता। तो ऐसी ऐसी स्टोरी सुना देते, तो लगता था कि यार सारे अंग्रेज़ बुरे नहीं हैं। तो वैसा ही कुछ हमारे इसमें भी फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा कि हर आदमी जो है, मतलब हम लोग बोल देते हैं कि ब्रिटिशर्स बुरे थे, मैं ये नहीं कहता हूँ हम लोग, मैं एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए फिर ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, पर एक्चुअली आप विटी स्टेशन जाके देखो कितना खूबसूरत है। आप अंधेरी जाके देख लो, वो अंग्रेजों ने बनाया था, हो गया। ये काट ही दो यार। कुछ लोग ऐसे भी हैं प्यारे लोग, इनको ऐसे लगता है कि जब अब्बास भाई पहली फिल्म में जब इन्होंने गाने किए तो जूस को ऐसे लगा कि मैंने आपसे मिलो आके पता नहीं कौन सी तोप चला दी, हालांकि इसका टैलेंट था। तो ये आदमी ने, मेरी कोई बचपन की दोस्ती नहीं है, मैं शायद उसी समय मिला था, ये एलए से वापस आ गया, गुरजोत है, ये मुझे उधर ले गए, कहते अब हमारा सी फेस है, उधर आ जाओ, इधर आपका दिल लगा रहेगा। मैं गया उधर समंदर देख के और दिल करे पे इसमें कूद जाऊं। मैं सीरियसली मुझे समझ ना आए कहाँ जाऊं। फिर मुझे कहते कि चलो, मैंने बड़ी चीज़ें कैंसिल की। अभी रिसेंटली ना BSF के लिए एक इवेंट था दिल्ली में, मेरा बड़ा दिल था कि मैं जवानों के लिए जाऊं। मेरा शुरू से, मैं जब शो की शुरुआत की थी मैं वाघा बॉर्डर गया था BSF के मिलने लोगों से, वाघा बॉर्डर के जो मिल के आते हैं, मैंने वो इवेंट भी कैंसिल कर दिया। ये अभी एक वीक पहले की बात है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक दिन ध्यान लगाया, मैंने कहा एक्चुअली मैं परेशानी से बचने के लिए रोज़ पी लेता हूँ, उसकी वजह से सुबह और हो रही है, तो थोड़ा इसको रिड्यूस करते हैं। सो अब मैं थोड़ा हैप्पी फील कर रहा हूँ आप सब लोगों के सामने आके भी, और अपने दिल की बातें खोल के। जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है एंड ऑल दैट हैज हैपेंड, जैसे भी हो गया, अभी काफ़ी लो पॉइंट पे है, क्या आपको लगता है कि आप वापस वही मुकाम पे पहुंच पाएंगे, वही पॉपुलैरिटी हो पाएगी, वही ऑडियंस है, वही लव मिल पाएगा, इन स्पाइट ऑफ व्हाट एवरीबॉडी हैज सेड? तो मैं शरेआम बाहर घूम रहा हूँ, मैं कोई राम रहीम बाबा के साथ अंदर थोड़ी हो गया, मैं वापस शुरू कर दूंगा। मैंने कौन सा, मैं सीरियसली मैंने एक छोटी सी चीज़ के लिए अपने आप को इतना हट किया। मैं मुझे लगता है एक लर्निंग होती है, आप कुछ ना कुछ सीखते हो। शायद मैं इस चीज़ को अभी तक इंजॉय में ही पी लेता था कि चलो इंजॉय, ये कोई नहीं, पर शायद ये नहीं होता तो शायद मैं ये सब सीखता भी नहीं। आ जा महेंद्र, ये मेरा बॉय है, ये भी बड़ा मेहनत करता है,
मेरी बोतल चुरा के ये भी पीपू लेता है अगर अगर वो कपिल 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 हम धर्मपाजी के बड़े फैन रहे हैं ना उन्होंने तो छोड़ दी